नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगापुर से बात कर रहा हूँ। टोनी रॉबिन्स का एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए यहाँ बड़े बड़े दिग्गज आए, 26 देशों से सब दिग्गज मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं। भारत के भी सभी इंटरनेशनल स्पीकर जो हम जिनसे जानते हैं वो सभी यहाँ आए हैं और मैं भी यहाँ आया हूँ। मेरा इंट्यूशन है यह है कि मेरा जो शास्त्र है शिव सूर्योदय शास्त्र, उसे वो लेवल पर लेके जाना है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैं यहाँ, 14 दिन मेरा, तो 14 दिन में मैं बहुत लोगों से मिला, पहले दिन से मिल रहा हूँ। लोगों को ये शास्त्र के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो भी मैं लोगों से मिला, कनेक्ट हुआ, उनसे बात की, तो लोगों ऐसा मालूम पड़ गया कि लोगों के इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मेरा शिव सूर्योदय शास्त्र है वो तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है, ये मेरा ध्येय है और इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और बहुत लोगों से मिल चुका हूँ और लोग बहुत उत्सुक है, क्योंकि ये जो ज्ञान है तो जिन भी लोगों से मिला उनको ये ज्ञान की बहुत कमी है और लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ये हम सब बोलते हैं, जानते हैं कि हमारे देश में इससे कुछ वैल्यू नहीं दी जा रही है। आज फॉरेन में जब टोनी वे अलग अलग स्टेप्स करके ले रहे थे, उसमें कुछ ब्रीदिंग के मेथड से, कुछ हेल्थ के माध्यम से, उन्होंने जो प्रोसेस बताए वो नॉर्मल, बेसिक नॉर्मल, पर लोग उसे उछल कूद करके वो ले रहे थे, एंजॉयमेंट कर रहे थे, विजुलाइजेशन प्रोसेस करके जो वो ले रहे थे। पर हमें, हमारी जो उसकी रूट है, उसका जो रूट है वो हमारा इंडिया है, तो इंडिया में ये सारी बातें इजीली मिल रही है, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है। जब मुझे मालूम था कुछ दिन पहले फेंगशुई जब मार्केट में आया, तब तक हमारे वास्तुशास्त्र वाले सब चुपचाप बैठे थे, उन्हें कुछ उसका दिल लेना देना कुछ नहीं था। पर उन्होंने ज़्यादा उछल कूद हो गई फेंगशुई की, तब हमारे वास्तुशास्त्र वाले जाग गए और बोले ये तो हमारा शास्त्र है, तो फेंगशुई का एकदम मार्केट कम हो गया। वैसा ही ये जो हमारे शास्त्र है, जैसा शिव सूरत है, लोग आ रहे, कनेक्ट हो रहे, सिक्के जा रहे और नया ब्रांडिंग करके वो वापस पैटर्न लेके हमारे इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले वहाँ, मैं लोगों से बात की तो मुझे उनका इंट्यूशन वही लगा कि कोई, कुछ लोगों ने मुझे कनेक्ट किया है कि कुछ देशों में आइए और एक ज्ञान हमें दीजिए, कितना भी पैसे देने के लिए तैयार है। देखिए इतना ह्यूज मार्केट, क्योंकि 27 लोगों के देश, और लोगों को लगता है कि ये ज्ञान आना चाहिए, ये ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, शंकर ने पार्वती को बताया है शिव सूर्योदय शास्त्र जो ब्रीदिंग, क्योंकि एक ही टूल्स ऐसा है आपके पास, वो आपका भूत, भविष्य और वर्तमान, ये सभी चीज़ें के ऊपर आप मास्टर कमांड पा सकते हैं, पर उसका प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। कुछ लोग हैं आपको सिखाते हैं नॉर्मल, कुछ गुरु है अच्छे है सिखाने के, और आज बहुत सारे हम देखते हैं यूट्यूब पे, पर जो प्रॉपर जो ज्ञान है वो ऐसा कुछ देर नहीं मिल रहा है। जो प्रॉपर जो ज्ञान चाहिए वो आपको एक प्रॉपर लेना जरूरी है, कोई भी हो जाए, किसी पास नहीं। आपको कुछ नहीं मिला तो मेरे पास आइए, मैं आपको सिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। पर दोस्तों, क्योंकि ये जो मेरा शास्त्र है ना, उसका वैल्यू बहुत कम हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। पर दोस्तों ऐसा मत कहिए, ये बहुत ह्यूज मार्केट है, और हम मार्केट बोलेंगे तो ये बिजनेस हो गया, पर ये जो ज्ञान है ना ये बहुत बड़ा है। क्योंकि मैंने जब इधर से पहले, दूसरे, तीसरे, आज चौथे दिन आज मैं दूर आ गया इधर, क्योंकि मेरे पीछे पड़े थे लोग ऐसा कि ये क्या है, और मैं दूर आके ये मैं बात कर रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है, 14 दिन है आज हमारी, इंटरवल हुआ है बीच में, तो दो शब्द मुझे कहने थे। तो हमें अपना शास्त्र है और इंटरनेशनल लेवल तक जाना है। ये सिंगापुर सिटी बहुत सुंदर है, क्लीन है, स्वच्छ है, ऐसा मेरा भारत भी होना चाहिए। अरे क्या लोग है यहाँ, क्या एकदम डिसिप्लिन है, माइंड ब्लोइंग। ऐसा मुझे लगता है ऐसा मेरा भारत कब होगा, करेंगे अपना भारत को भी ऐसा ही करेंगे, बहुत क्लीन करेंगे, सुंदर करेंगे।
स्पिरिचुअलिटी में है वो तो है ही, और उसके है अपना बिहेवियर में भी चेंज लाने से तो मेरा भारत एक दिन सफलता के एक अलग ऊंचाई पर पहुंच सकता है। तो दोस्तों, मैं तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।